अच्छा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ आवर रिएक्शन। रेट ऑफ आवर रिएक्शन को हम लोग स्पीड ऑफ आवर रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है कितना फास्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पीड ऑफ आवर रिएक्शन। व्हेन एवर एनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन वी मेजर द स्पीड ऑफ आवर रिएक्शन तो उसको हम रेट भी कह सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आप कहते हो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिमिलरली यहाँ पर भी है। ठीक है। अच्छा अब रेट निकालने के लिए अक्सर हम लोग कंसेंट्रेशंस को देख रहे होते हैं कि रिएक्टेंट, देखो व्हेन एवर एनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस रिएक्टेंट्स आर बीइंग रिएक्टेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, सो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, सो देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। सो इफ वी डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और आइदर प्रोडक्ट्स वी कैन डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। मतलब इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू फाइंड द रेट और स्पीड ऑफ अ रिएक्शन तो वी विल मेजर चेंज इन कंसेंट्रेशंस। अब कंसेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है प्रोडक्ट की भी हो सकती है। कंसेंट्रेशन तो याद है ना अमाउंट पर मोल्स इन डेसीमीटर क्यूब, मोल्स में जो पढ़ा था चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज टू हैपन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। और दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखें तो रेट कैन बी डिटरमिन बाय मेजरिंग चेंज। चेंज को जो है ना हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में। चेंज को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ट्राइंगल बनाया हुआ है ना इसको हम कहते हैं डेल। दिस रिप्रेजेंट चेंज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ चेंज वी विल यूज दिस सिंबल एंड इसके साथ लिख देंगे कंसेंट्रेशन। तो चेंज इन कंसेंट्रेशंस ओवर टाइम, जैसे फिजिक्स में आपने स्पीड पढ़ा होगा ना, स्पीड क्या होता है इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। सिमिलरली यहाँ पर भी रेट क्या है, रेट को हम स्पीड ऑफ अ रिएक्शन भी कह सकते हैं ना, रेट ऑफ अ रिएक्शन और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। मतलब जब भी पर यूनिट टाइम आ जाता है तो वो स्पीड बन जाता है ना, रेट बन जाता है। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितनी कंसेंट्रेशन की चेंज हो गया, वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी हो सकती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूमरेटर में भी है जैसे स्पीड में आप यूनिट क्या बनाते हो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट फॉर डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स। तो स्पीड का यूनिट जैसे बनता है मीटर पर सेकेंड, सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर में वी हैव कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, दिस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यूनिट को आप क्या लिखोगे, दिस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ अ रिएक्शन, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। समझ आई बात ये वाली। नाइस। जी सर, सॉरी वो लिख रहा था। जी देख लो जरूर लो इन सारी चीजों को।
डन। एक सेकंड सर, ठीक है। लिख लिया, कंटिन्यू कर लिख लिखिए। लिया। ओके अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन का चेंज से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो जब चेंज इन मास से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में वी विल हैव चेंज इन मास, बट इन डिनोमिनेटर वी विल ऑलवेज हैव चेंज इन टाइम। अब डिपेंड करेगा रिएक्शंस पे, मेथड ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो इस सारे तरह के हम देखेंगे इसी चैप्टर में। तो इसका जो आपका क्या कहते हैं यूनिट बनेगा, अब मास का जो यूनिट होता है दैट इज ग्राम्स और किलोग्राम्स। तो न्यूमरेटर में वी विल हैव ग्राम्स और टाइम का यूनिट इज सेकंड, तो उसका यूनिट बन जाएगा ग्राम्स पर सेकंड। सिमिलरली हम लोग चेंज इन वॉल्यूम से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, अगर कोई गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है रिएक्ट प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो फिर हमारे पास न्यूमरेटर में वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय टाइम इज सेकेंड। तो इट्स यूनिट वुड बी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट बन जाएगा, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट बन जाएगा। डन सर। ओके okay. यस सर। चलो देन, चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर ऑब्वियसली ये रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अच्छा अभी एक मिनट।